ये दोनों एंगल इक्वल होगा ना मिनिमम डेविएशन पर? अभी हो होगा कि नहीं? हाँ तो ये अगर इक्वल है तो ये ए बाई टू होगा और ये भी ए बाई टू होगा, हाँ नहीं 90 माइनस ए बाई टू, मतलब इक्वल होगा, 90 माइनस ए बाई टू होगा, ऐसा इक्वल होगा, आपस में इक्वल है। अच्छा अगर बी और सी भी इक्वल हो, बी और सी भी इक्वल हो, तो एक तुमने सिमिलर ट्रैक कुछ पढ़ा होगा कि ये इसके पैरेलल प्रूव हो जाएगी, पैरेलल, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो क्या इसके ये इसके इक्वल होगा ना? हाँ ये तो कोऑर्डिनेट एंगल्स हो जाएंगे। हाँ तो ये आपस में इक्वल होंगे ना ये वाले, हाँ तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल की नहीं। हाँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन द रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। बात समझे कि नहीं? हाँ इफ एंगल बेस एंगल्स आर इक्वल तभी होगा ये, जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो ये कंडीशन आई है। अगर बेस एंगल्स इक्वल हैं और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कहीं भी पड़ती है, जैसे कि दूसरी साइड से पड़ती है, तो कभी कभी तो ये जो लाइन है ये दिखती नहीं है कि पैरेलल है। नहीं, मिनिमम डेविएशन पर हमेशा पैरेलल होगी, मिनिमम डेविएशन पर ना, ये कब बात हो रही है? मिनिमम जब डेविएशन, मिनिमम डेविएशन होगा उस समय पैरेलल होना ही पड़ेगा। तो मिनिमम डेविएशन हमें देख के कैसे पता चल सकता है? नहीं उसमें वो तो लिखा लिखा होगा होगा क्वेश्चन में कहीं कि डेविएशन इज में, देख कर नहीं पता चल सकता, लिखा होगा क्वेश्चन है ना। हाँ ये कई बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखो, इसको लिखा कि नहीं, ये पॉइंट लिख लिया था। हाँ स्क्रीनशॉट लिया ठीक है, तो बहुत आसान हो गया अब तो पढ़ाई ना, लेकिन इसे बेकार है जब तक फिजिकल जो क्लास, इसका सब बहुत दिक्कत है नहीं, पढ़ने मतलब पर। जिसमें इंटरेस्ट होता है सिर्फ वही अच्छे से पढ़ पाते हैं। वो सब और बाकी सब ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ऑप्शन लिखा हुआ है, बताना है सही गलत। द रे इनसाइड द हेलो, प्रिज्म। हाँ क्या आवाज नहीं आ रही? हेलो, वीडियो रुक जा रहा है। रुक जा रहा है अभी, देखिए दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? आवाज आ रही है? कुछ दिख रहा है? देखो सही लिखा है निक्की, स्टेटमेंट बताओ सही गलत रेन साइड, एक है? मिनट हाँ द रे क्या लिखा है?
रे इन साइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म इफ द प्रिज्म इज आइसोसेलेस एट मिनिमम डेविएशन. एट मिनिमम डिविएशन। चलो ये भी लिख देता हूँ, बहुत बढ़िया। अब सही हो जाएगा। अब स्टेटमेंट सही हुआ कि नहीं हाँ सोचो जरा एक बार। गलत स्टेटमेंट है। नहीं समझे। अब आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है? कोई दो एंगल्स इक्वल हैं? तो बी और सी इक्वल हो जरूरी तो नहीं है ना? नहीं हम लोगों ने प्रूव क्या किया है? कि बी और सी इक्वल सी है. इक्वल होने चाहिए ना। आइसोस्केलेस में तो ए और सी भी इक्वल हो सकते हाँ हैं। तो अगर ए और सी इक्वल हो और बी नहीं इक्वल हो सी के, तो वो तो ये कंडीशन फिर तो नहीं लिखा होना आएगी। चाहिए कि हाँ, इसका तो ये गलत है ना, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। बहुत बच्चों ने गलत किया था इस बार, कि वो तुरंत कहते हैं आइसोस्केलेस हो तो गया। अरे ये थोड़े कहा इसने कि यही वाले एंगल की बात हो रही। नहीं समझे। हाँ इसमें सही हो जाता अगर लिखा होता द प्रिज्म इज आइसोस्केलस एंड बेस एंगल्स आर इक्वल। हाँ, लिखा होता ब्रैकेट में कि बेस एंगल्स आर इक्वल, तभी सही हो जाता ऐसे इसको। क्वेश्चंस कितना कितने आते होंगे, सब ही मतलब क्वेश्चन से हम लिखे? कंसेप्चुअल आते हैं। नहीं तुम्हारे नहीं, बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे प्रिज्म है, ये 10th लेवल का ही आता है आईआईटी। जैसे तुम लोगों में पढ़ लेना चाहिए इसमें, है ना? इसमें 10th 12th में कोई अंतर नहीं। इसमें ऐसी बात थोड़ी जो समझ नहीं पाओगे तुम भाई। हाँ सब सिंपल बात है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन। मैंने तुम्हें जो दिया था वो भी आईआईटी का क्वेश्चन था। पता नहीं वो तुमने किया था, मैंने चेक नहीं किया अभी। मैंने भेजा था. भेजा तो था, ये मैंने भी देखा नहीं उसको। क्या था क्वेश्चन, है कुछ? वो मतलब मैंने किया था, तब मुझे ये नहीं याद आ रहा था कि R1 और R2 कैसे निकालें. अच्छा, तो मुझे नहीं पता R1 तो वो निकाल लिया था लेकिन वो R2 नहीं निकल रहा था. क्वेश्चन क्या था, कुछ याद है? हाँ कहीं लिखा है? हाँ नहीं याद है. हाँ, एक प्रिज्म बनाए, एक देखते हैं, वही कर लेते हैं। एल क्या था? है वो, उसमें जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो 45 थी, और जैसे एक प्रिज्म है ना, पहले तो प्रिज्म बनाते हैं, फोटो दिखा सकते हो? याद है तुम? हो रहा था. हाँ, यहां से एक लाइट, यहां रे आई। रे नॉर्मल से कितने एंगल पर आ रही थी? ये कितना एंगल गिवन था? 45. ये 45 दिया है। ठीक है, फिर क्या था? आवाज नहीं आ रही निकी तुम्हारी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था, नहीं, और क्या गिवन था? और इसका म्यू गिवन था, ग्लास का √2, अच्छा, और और फाइंड करना था ए. ये अच्छा, ए फाइंड आउट करना था है ना? हाँ, और बस TIR था कि होगा TIR क्या. यहां हो रहा था, इस सरफेस पे हाँ, इधर से हो रहा था. यही होगा, यही यहां TIR हो रहा होगा। क्यों? हाँ, और तो क्या क्या लिखा था ऑप्शन? ऑप्शन था, ए था 15, बी था 22, बस इतना ही लिखा और कुछ पता नहीं। नहीं, और D 45. हाँ और आइसोस्केलेस वगैरह कुछ नहीं दिया था? इक्विलेटरल नहीं, एक मिनट, देख लो। मैं देखती. देख लो। इसमें दिया है
पढ़ो पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली। हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल कहाँ पर है, किस वाले पर, ये ए बी राइट सी? एंगल, हाँ ये पी क्यू आर था, क्यू पे है, अच्छा ये क्यू इधर लेफ्ट वाला है, हाँ मतलब बी पे। अच्छा बी राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल प्रिज्म है ना, फिर हाँ, से बनाए। और मिनिमम वैल्यू ऑफ 45 डिग्री। नहीं पूरा पढ़ो तुम, क्या अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर एट एन एंगल ए ऑन द साइड पी क्यू ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू। लाइट 45 डिग्री एंटर्स, क्या है, ये सीधे ऐसी आ रही थी क्या सीधी? नहीं 45 डिग्री पे आ रही थी, यही ए यहाँ पे था, फिर ए की वैल्यू गिवन है, मिनिमम वैल्यू ए, फोर्टी, मतलब ए मतलब ए नाम दिया था ए इंसिडेंट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस का। अच्छा ऐसे आ रही थी, हाँ ये और ये एंगल ए फोर्टी, दिया है। हाँ 45 डिग्री, तो अच्छा तो ए कह रहे निकालना है, 45 डिग्री दिया है। हाँ मतलब, और ये एपेक्स एंगल निकालना है। अच्छा ये निकालना है पी, हाँ थीटा, अच्छा ये थीटा लिखा हुआ है यहाँ और ये 45 डिग्री, हाँ ठीक है। अब आगे और लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म एट द फेस पी आर। पी आर, अच्छा, ठीक है। यहां हाँ से रे आएगी, तो रे जब आएगी यहां तो हमें ये पता करना है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये इस फेस पर, अरे तो ये एंगल जो होना चाहिए वो थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो टी आई आर होगा। तो दोनों तरफ साइन लगा दे तो साइन आई ज्यादा होना चाहिए साइन थीटा सी से, जैसे दोनों तरफ साइन साइन मैंने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, तो साइन आई ज्यादा होना चाहिए। साइन थीटा सी 1/μ होता है क्या? क्रिटिकल एंगल क्या होता है निकी? क्रिटिकल एंगल होता है म्यू साइन थीटा सी μ2/μ1 क्या होता है? टू बाय म्यू वन इंटू हाँ साइन आर। नहीं, साइन आर तो 90 हो जाएगा ना, साइन थीटा सी क्या हाँ होता है, तो वो तो 1 हो जाएगा, यही वो तो ही, होगा साइन हाँ यही थीटा होगा, सी 1/√2 वन होगा। बाय रूट टू होगा। तो आई की जगह मैं क्या रखूं कि जो साइन है उसकी वैल्यू 1/√2 से ज्यादा हो, 45 नहीं 45 तो 1/√2 के इक्वल है। नहीं, तो ज्यादा रखना है ना, आई 45 से ज्यादा होगा तो ये वैल्यू 1/√2 से ज्यादा नहीं हो जाएगी क्यों? अरे साइन 45 1/√2 होता है, तो जब बड़ी ये 46 रखोगे तो ये वैल्यू बढ़ गई ना 1/√2 से, नहीं समझे? हाँ हेलो हेलो, हेलो निक्की, क्या बताओ। ये बात सही है, हाँ ये समझ में आ गया है। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ो क्या था और करना क्या, हमें ऑप्शन क्या है? हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालना है, तो ये एंगल जो है ना, देखो ये एंगल निकल के आ जाएगा स्नेल्स लॉ से, ये एंगल हाँ ये आ गया था 30 डिग्री। आ गया था, बहुत बढ़िया 30 डिग्री आ गया, तो ये 60 हो गया। और ये एंगल, ये जो एंगल होगा ना ये वाला, ये 90 - I होगा, तो अब तीनों का सम जो है 180 आना चाहिए, हाँ तो 90 - I +60 + थीटा इज इक्वल टू 180, क्यों?
तो 90 प्लस 60 150, तो थीटा माइनस आई बराबर 30 डिग्री। देखो ये 90 150 उधर जाएगा 30 आ जाएगा, तो आई क्या यहां से आ गया थीटा माइनस 30 डिग्री, यहां से इस इक्वेशन से आया। और ये 45 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, हम लोगों ने पहले निकाल लिया है भाई आई 45 से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब थीटा माइनस 30 डिग्री 45 से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 75 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, है ऐसा कुछ नहीं? नहीं, क्या ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन में 45 तक है। पहला 15 सही है क्योंकि 15 मैंने निकाला था, 15 तुमने निकाला, ये देखो सही तो है, ये आई बराबर, देखो आई बराबर, हाँ नेक्स्ट ऑप्शन डिग्री 22.5 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, हाँ नहीं ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये रूट टू है तो 1/√2, तो आई की वैल्यू 45 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, ये 30 सही निकाला है तुमने, हाँ एक बार देख ले, साइन आई साइन 45 सही निकाला होगा, बटे साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, तो साइन आर आ गया 1/2, तो आर आ गया 30, तो 30 तो 60 हो गया, ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, तो 90 प्लस 60 150 तो होता है, तो 190 माइनस आई प्लस 60 प्लस थीटा 180 होना चाहिए, तो 90 प्लस 60 150 उधर गया तो 30 बचा, तो थीटा माइनस आई इज इक्वल टू 30, तो आई बराबर थीटा माइनस 30, तो थीटा माइनस 30 और आई की जगह ये मैंने लिख दिया थीटा माइनस 30, 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, बताओ पता नहीं क्या क्या, फिर से पढ़ो जरा क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, फिर से पढ़ना जरा क्वेश्चन, कहाँ है इसी उसमें है ग्रुप क्या? पे है, हाँ पढ़ो पढ़ो। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर एट एन एंगल ए ऑन द साइड पी क्यू ऑफ अ राइट, आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही, सपोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट पी आर डिग्री द एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म इज, कैसे तो बहुत बिल्कुल सही लिखा हुआ है हम लोगों ने, ये आई थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए, तो साइन आई 1/√2, तो आई ग्रेटर देन 45, तो 90 माइनस आई सही तो लिखा हम लोगों ने, सही लिखा है, ये 60 हो गया, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, जैसे थीटा माइनस आई आ गया, सो 30 थीटा आई बराबर थीटा माइनस 30, थीटा माइनस 30, थीटा माइनस 30 ग्रेटर देन 45, लेस देन हो जाना चाहिए या तो साइन चेंज हो जाए, नहीं नहीं लेस देन में तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, कुछ और है जो उसमें मिस हो रहा होगा, एक मैं देख लूँ एक बार जरा, जो मैं देखता हूँ किस ईयर का, अच्छा एक मिनट रुको मेरे पास है, है अच्छा ग्रुप पे है तो उसको देख लेता हूँ,
ये ऊपर से आ रही थी लाइट शायद ना, नहीं समझे। गड़बड़ बता दिया ना तुमने, नहीं समझी। दिख नहीं रहा, हेलो, ये मेरा फिगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, आवाज तो आ रही है ना। स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ जो तुमने फिगर देखो, तुमने फिगर में करेक्शन नहीं कराया था। ये लाइट ऊपर से आ रही थी ना, हाँ नहीं समझे। लेकिन उससे क्या, अरे वही बहुत बड़ा फर्क है, अभी देखना कैसे आता है। उससे और भी फर्क कोई पड़ता है क्या? और क्या, जैसा दिखाया गया है एज शोन इन फिगर लिखा होगा ना, क्वेश्चन में लिखा होगा एज शोन इन द फिगर। आईआईटी का क्वेश्चन है भाई, अभी 2019 का ये है ना। तब भी तो हेलो, वही था। अच्छा अब देखो यही था, ये वैसे ही नहीं है, था। हाँ, अब देखो उसमें जरा क्या देखते फर्क हैं। पड़ा, नॉर्मल के इधर है उधर है। अच्छा देखते हैं, अब हो सकता है कुछ फर्क पड़े, नहीं होगा तो कोई दिक्कत। अच्छा तो ये 45, तो ये 30 हो गया। अब हाँ ये पूरा एंगल 90, 90+30 हो जाएगा, ये 120 होगा पूरा। पहले 60 आ रहा था ना ये वाला, इस ट्रायंगल में, नहीं समझे। और ये था थीटा, मेरी बात समझे। और ये जो आई है तो ये 90-I होगा। अब तीनों सम का, अब 120+90-I+θ, 120+90-I+θ बराबर 180। फर्क नहीं पड़ा, नहीं हाँ प्लस समझी। हो गई। अब ये देखो उधर ले जाओ, हाँ तो समझ गया। अब थीटा माइनस आई कितना हो गया, 180 में से 120+90 कितना हुआ, 210। तो -30 हो गया अब ये। हेलो हेलो, तो आई बराबर क्या हो गया, θ+30। हेलो निक्की, हाँ हेलो निक्की, हाँ अभी हाँ समझे, ये जान हाँ पाई। अब आई है वही बात, 45 से ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो θ+30 ज्यादा होना चाहिए 45 डिग्री से, तो थीटा ज्यादा होना चाहिए 15 डिग्री से। अब कितने ऑप्शन है जिसमें 15 डिग्री से ज्यादा ऑप्शन दिया गया तीन और हैं, है। तीनों सही है, कौन कौन से ऑप्शन, 22.5, नहीं 30 डिग्री, एबीसीडी में 30, कौन सा है वो, बी सी डी। बी सी डी, ये जिसने किया होगा उसको 2 नंबर मिल गए होंगे, बी सी डी जिसने अच्छा लिखा होगा। और ये 15 डिग्री गलत है। 15 से ज्यादा होना चाहिए ना। मैंने फिर वैसे किया था, साइन थीटा सी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू। नहीं, अब देखो ये बहुत आसान है वैसे तो, लेकिन ट्रिकी देखो है क्वेश्चन, थोड़ी सी कोई गलती करेगा बस गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझे। डायग्राम का ही डायग्राम है और कुछ याद करके नहीं जाना है, जिसे याद करके लगाओगे बस गलत हो जाएगा। जैसे शुरू से सोचना होता है आईआईटी, मतलब शुरुआत से सोचो, नहीं समझे बात। मेरी क्लास है। ठीक है, फिर इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक।